घड़ी के हिसाब से कैरम खेलना सीखेंगे हम लोग, यानी कि क्लॉक के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे तीन कॉइन एग्जाम्पल के लिए रख रहा हूँ। ये तीन कॉइन को मार के मैं आप लोग को बताऊंगा और समझाऊंगा कि घड़ी के हिसाब से यानी कि क्लॉक के हिसाब से कैसे आप इन कॉइन को पॉकेट कर सकते हो। तो क्लॉकवाइज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हम लोग देखने वाले हैं। क्लॉकवाइज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यानी कि इस कॉइन को पॉकेट करना है, यानी कि जब भी कट मारना है तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है 3 o'clock। अपर रेंज यानी कि जो मिडिल अपर रेंज है उसमें अगर कोई भी कॉइन है और आपको उस पॉकेट में मारना है तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएगा 3 से 4। और जब भी मिडल से लेके लोअर रेंज की जो कॉइन्स होती है इनको अगर आपको उस पॉकेट में मारना है तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाता है 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, इस तरह से।